हे हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 क्लासों के प्राइवेट कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट देने वाले छात्रों के लगातार मैसेज आ रहे हैं। जैसे जैसे रिजल्ट का टाइम दोस्तों नज़दीक आ रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है कि 30 सितंबर को सीबीएसई द्वारा आप सभी के जो रिजल्ट है वो जारी कर दिए जाएंगे। जो भी प्राइवेट के बच्चे कंपार्टमेंट है इंप्रूवमेंट वाले जो इन्होंने इस बार एग्जाम दिया है, ऐसे में छात्रों का जो सवाल है कि सर जो इस बार जो 30 सितंबर को सीबीएसई रिजल्ट जारी करेगी क्लास 10 क्लास 12 का, क्या उस रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ आएगा, कंपार्टमेंट लिखा हुआ आएगा या उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ होगा। ये एक तो ये डाउट लगातार छात्रों का पिछले 2 दिनों से बन रहा है। दूसरा छात्र ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर अगर मान लेते हैं कि हमारे इंप्रूवमेंट में कम नंबर आ जाते हैं या हम किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो कौन सा जो रिजल्ट वैलिड होगा, पहले वाला या इस बार जो हमने इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया है। इसको लेकर जो दूसरा सवाल है दोस्तों, इसको लेकर मैंने वीडियो पहले बना दी है और उस अगर ये सवाल आपको कन्फर्म करना है तो प्लीज़ इस वीडियो देख लीजिए, जो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों छात्रों जो सवाल है, जो सबसे पहला सवाल ये है कि सर जो 30 सितंबर को सीबीएसई रिजल्ट जारी करने वाली है, क्या उस रिजल्ट में हमारे जो रिजल्ट आने वाले उस पर इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ होगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ खास लिखा होने वाला नहीं है। हाँ, सीबीएसई जो रिजल्ट जारी करेगी उसमें अगर आपके नंबर बढ़े आएंगे तो ओबियस बात उसके उसमें रिजल्ट में आपके बड़े हुए नंबर दिखाई देंगे, ठीक है। आपके पास 2 मार्कशीट रहेगी, यानी एक वो मार्कशीट जो पहले से आ चुकी, यानी जो अभी 2 जुलाई में आपकी जो मार्कशीट आई थी, जो रिजल्ट आया था वो, और 2 मार्कशीट यानी अब जो 30 सितंबर को आने वाली है, 2 मार्कशीट आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि दोनों मार्कशीट आपके पास है तो दोनों मार्कशीट में जो है ना, आप दोनों में से कोई भी मार्कशीट किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट उस पर कोई चीज़ नहीं लिखी होगी, इम्प्रूवमेंट नहीं लिखा हो क्योंकि आपने इम्प्रूवमेंट का कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं होता दोस्तों, तो आप टेंशन मत लीजिए। आपकी जो जो मार्कशीट अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं देते हैं, जो मार्कशीट आपकी बनती है रिजल्ट आता है वैसे ही रिजल्ट आएगा, ना ही उसमें इम्प्रूवमेंट जैसा कोई शब्द लिखा नहीं होगा। हाँ, जो छात्र जो है कंपार्टमेंट आ रहे थे, ठीक है, जिन छात्रों की कंपार्टमेंट थी पिछले साल और उन्होंने इस बार कंपार्टमेंट दिया है, तो उन छात्रों का अगर वो कंपार्टमेंट में पास हो जाते हैं तो उन छात्रों जो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लिखा हुआ आया हुआ था पहली बार, अब वो कंपार्टमेंट हट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा छात्र बहुत से सवाल पूछ रहे हैं, सर पेपर में रिजल्ट अच्छे आएंगे हमारे या नहीं आएंगे, है ना, हमने तो पेपर अच्छा दिया है। तो दोस्तों अगर आपने सभी ने पेपर अच्छा दिया है तो ओबियस सी बात आपका रिजल्ट 100% अच्छा ही आएगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के उन्हीं छात्रों ने केवल एग्ज़ाम दिया है जिन्होंने जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी थी। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी थी और आपने अच्छे से पेपर दिया तो ओबियस सी बात आप नंबर अच्छे आएंगे, तो इसको लेकर बिल्कुल भी चिंतित ना हो और कोई फिक्र ना करो, और बार अच्छे नंबर दिए जाएंगे सीबीएसई की तरफ से, इतना दोस्तों मैं भरोसा करता हूँ। क्योंकि इस बार जितना भी खेल किया गया है, जितना भी खराब खेल गया वो सीबीएसई द्वारा किया गया है, तो अब सीबीएसई की उसको सुधारने की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ एक और सवाल बच्चों को लगातार आ रहा था दोस्तों कि सर हमने डिस्प्यूट के लिए अप्लाई किया था और हमने री एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई किया और डिस्प्यूट का हमारा रिजल्ट आ चुका है, उसमें हमारे अंक बढ़ चुके हैं, अगर इसके बाद हमारा इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम आता है, रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में हमारे डिस्प्यूट वाले नंबर से कम नंबर आते तो कौन मान्य होगा? डिस्प्यूट वाला मान्य होगा, जो अभी इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम हुआ वो मान्य होगा। तो दोस्तों इसको लेकर मैं आपको क्लियर कट के पहले भी कह दिया था कि देखो अगर कहीं भी न्यूज़पेपर पत्र में आप पढ़ोगे तो वहाँ पर ये आता है कि बढ़े हुए नंबर को जो है मान्यता मिलती है, अगर आपने जो भी आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है वो जुड़ेगा। बट सीबीएसई ने जो नोटिफिकेशन जो दोस्तों सीबीएसई ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला था, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ साफ और क्लियर कि जो आपके इम्प्रूवमेंट में नंबर आएंगे, जो आपने री एग्ज़ाम में अप्लाई किया वो नंबर आएंगे, वही आपके नंबर फाइनल मान्य होंगे। तो ये देखो एक तरफ गूगल कुछ और बताता है और सीबीएसई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ और बताती है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा। 30 तारीख को सभी आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है, और उसके बाद दोस्तों जो भी होगा उसके बाद की प्रोसेस मैं आपको सारी बताऊंगा। और एक सवाल बच्चों की भी था, सर क्या हम 2022 के लिए अप्लाई करने वाले दिसंबर में के लिए, कि हम दिसंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? दोस्तों एक दिन मुझे दे दिए, वो दिसंबर वाला जो भी नोटिफिकेशन मैं आप सभी को लेकर उसके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। कुछ स्रोत बाकी रह गए हैं, कुछ और भी चीज़ों सर से पूछना है मुझे, तो किसी और भी टीचर से मुझे उससे बात करनी, उसके बाद मैं आपको कंफर्म बता दूंगा कि आपको दिसंबर के लिए अगर ये एग्ज़ाम अप्लाई करना है तो आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलिए। दोस्तों जय हिंद जय भारत।